इंग्लैंड के लिसेस्टर शहर में दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद वहां हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। बता दें कि लिसेस्टर शहर लंदन से महज 160 किलोमीटर दूर है। लिसेस्टर के अलावा बाकी शहरों को भी अलर्ट कर दिया गया है। 17 सितंबर को लिसेस्टर शहर में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई थी और वहां हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तनाव की शुरुआत एशिया कप में पाकिस्तान की हार से शुरू हुई थी। 28 अगस्त को एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया था। इसके बाद 6 सितंबर को लिसेस्टर में गुस्साए पाकिस्तानियों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। एक समुदाय ने दूसरे के धार्मिक प्रतीक को उखाड़ दिया था। इसके बाद दोबारा एक समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर दूसरे समुदाय के पूजा स्थल में तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद लिसेस्टर समेत ब्रिटेन के कई हिस्सों में तनाव देखने को मिला। हालांकि लिसेस्टर शहर की पुलिस के प्रवक्ता की माने तो समुदाय विशेष के पूजा स्थल पर हमले की खबरें सच नहीं हैं। हालात बेकाबू होता देख लिसेस्टर के पुलिस प्रमुख ने एक वीडियो जारी कर लोगों से इस हिंसा में शामिल न होने की अपील की। लिसेस्टर पुलिस का कहना है कि वो स्थानीय समुदाय के नेताओं के समर्थन से बातचीत और शांति का आह्वान करना जारी रख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी कीमत पर हिंसा या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंग्लैंड में हिंदू समुदाय को लेकर बात करें तो साल 2011 में की गई जनगणना के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में 816,600 के करीब हिंदू रहते हैं, जो कुल आबादी का 1.5% है। अगर आंकड़ों को बारीकी से देखें तो इंग्लैंड में भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है।